नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुटों में बंट जाने के बाद सियासी सरगर्मियां अब और भी तेज हो चुकी है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें मिले, क्योंकि चुनाव आयोग तक अब ये मामला पहुंच चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 जुलाई के दिन दिग्गज नेता अजीत पवार शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बन गए। उनके साथ साथ उनके समर्थकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जिसके बाद से अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि एनसीपी पार्टी उनकी है और चुनाव चिन्ह भी उनका है। ऐसे में देखा जाए चुनाव आयोग की तरफ उन्होंने रुख किया है, तो फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आपको जानकारी दे दें कि अब एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने अपनी बात रखी है और उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि शरद पवार ने ही उन्हें नसीहत दी थी कि वह दिल्ली जाएं और बातचीत करें यहां पर बीजेपी से कुछ अहम मुद्दों पर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ पर दोनों ही गुटों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और हाल ही में रविवार को बीड सभा में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर बड़ी टिप्पणी कर दी। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ सकता है। छगन भुजबल ने खुलासा किया है कि शरद पवार ने ही हमसे कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए। छगन भुजबल ने कहा कि में शामिल होने से पहले शरद पवार ने ही हमें इस बारे में मार्गदर्शन दिया था, हमें बीजेपी से किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए। छगन भुजबल ने सवाल पूछने के अंदाज में यह भी कहा कि हमें नहीं पता कि अब वे क्या कर रहे हैं। जो लोग शरद पवार के साथ हैं वे भाषण देते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते हमने उनसे बात की थी। 2014 के बाद से पिछले 5 से 6 महीनों से मैंने किसको कहा है, क्या कहा है? अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, जयंत पाटिल को। शरद पवार ने सबको बस यही कहा कि दिल्ली जाकर उनसे चर्चा करो, इतने मंत्री पद मांगो और कहो कि इतने विधायक चाहिए, इतने सांसद चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा हमने यही किया, इसलिए अब क्या हुआ? वे ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं मालूम कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए शरद पवार पर उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, यहां से देखा जाए तो सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में देखना यहां पर यह होगा कि शरद पवार इस बयान का क्या जवाब देते हैं। क्या वाकई में शरद पवार ने यहां पर एक बड़ी रणनीति बनाई है बीजेपी की तरफ रुख करने की, या फिर यहाँ पर छगन भुजबल शरद पवार को सियासी घेरे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि देखा जाए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और हर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि खबरें तो ये भी सामने आई कि अजीत पवार और शरद पवार की गुपचुप तरीके से बैठक हुई और अजीत पवार ने उन्हें मंत्री पद यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्रस्ताव दिए हैं, साथ ही साथ सुप्रिया सुले को लेकर भी दावे किए गए। अब देखना होगा, यहाँ पर तब से अटकलें तेज हो रही है कि एनडीए की तरफ शरद पवार का रुख हो सकता है, लेकिन यहां पर सभी खबरों पर विराम लगाते हुए नजर आए हैं शरद पवार। अब देखना होगा कि शरद पवार का इस बयान पर क्या कुछ कहना होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।